हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जिसका नाम है द आर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम अपने लेक्चर 10 में डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेक्चर 9 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिमांड, डिमांड के बारे में, और लेक्चर 10 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, आइए जानते हैं। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड keeping other factors remaining constant। law of demand कहता है कि एक commodity के price में, उसकी मूल्य में और उसकी quantity demanded, commodity के price में और उसकी quantity में एक inverse relation होता है। inverse, negative inverse relation। inverse relation मतलब आप जानते होंगे, inverse relation होता है, उल्टा relation होता है। अगर price बढ़ती है तो quantity घट जाती है, और अगर price कम होती है तो quantity बढ़ जाती है। और कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कुछ फैक्टर्स हैं वो हमें कांस्टेंट रख के चलना है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट माने गए हैं, एज्यूम क्या है, कुछ एजम्पशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग सेट्रीबस पेरिबस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट्रीबस पेरिबस। तो वो क्या फैक्टर्स है जो एजम्पशंस है, जो कांस्टेंट रखे गए हैं? सबसे पहले इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दूसरा है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का वो चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका जो प्राइस है ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, कंज्यूमर का टेस्ट और उसका प्रेफरेंस और उसकी चॉइसेस है वो सेम रहेगी। फोर्थ है नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस चेंज इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? फ्यूचर में जो प्राइस चेंज होगा किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का, जो उसका एक्सपेक्टेशंस है उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ये चार इसके एजेंसेस, मेन एजेंसेस है किसके, लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका मैं ग्राफ बता देता हूँ। ये इसका ग्राफ होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये पी है। किसी भी कोई भी आप कमोडिटी ले लीजिए, ये इसका प्राइस है। इस प्राइस में जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है वो ये क्यों हो रही है, क्यों, ठीक है। इस प्राइस में क्यों क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है, और ड्यू टू एनी रीजन प्राइस बढ़ जाती है, उसी कमोडिटी की प्राइस पी से पी वन हो जाती है, तो जो इसकी क्वांटिटी क्यों डिमांडेड हो रही थी ये घट जाती है, वापस आ जाती है, कम हो जाती है, कि क्यू वन हो जाती है, क्यू से क्यू वन हो जाती है। प्राइस जब पी से पी वन हो जाती है तो क्वांटिटी क्यू से घट के क्यू वन हो जाती है, और कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये जो ग्राफ होता है लॉ ऑफ डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैं एक एग्जांपल भी आपको मैंने यहाँ पे लिया है, ओनियन का एग्जांपल, ठीक है। जब ओनियन, मैं अपना बात बता रहा हूँ, जब ओनियन 20 रुपए की थी पर केजी, तो हम लोग 5 केजी ले लेते थे। उसके बाद प्राइस बढ़ा, ओनियन 30 रुपए की हो गई, ओनियन की सप्लाई कम हो गई, ओनियन बढ़ गया 30 रुपए हो गई, तो हमने 1 केजी कम कर दिया, 4 केजी लेने लगे। उसके बाद फिर ओनियन 40 रुपीस की हो गई, फिर हम 3 केजी लेने लगे, फिर ओनियन 50 रुपीस की हो गई, फिर हम लोग 2 केजी लेने लगे, और फिर ओनियन 60 रुपीस केजी हो गई, बहुत बढ़ गई 60 रुपीस केजी, फिर हम लोग सिर्फ 1 केजी में काम चलाने लगे, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए, यहां से देखिए 60 जब था बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो हम लोग सिर्फ 1 केजी ले रहे थे, 50 था तो हम लोग 2 केजी ले रहे थे, 40 था तो हम लोग 3 केजी ले रहे थे, 30 था तो हम लोग 4 केजी, और 20 था तो हम लोग 5 केजी ले लेते थे। तो ये उसका जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा इस तरफ होगा, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग का इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। क्या होता है? हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये नीचे की तरफ जाता है, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस, किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस में, उसके मूल्य में और उसकी क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घट जाएगी, अगर प्राइस घटती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो हम लोग वो सामान कम कर देते हैं, खरीदना कम कर देते हैं, और जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी सेल भी बढ़ जाती है, ठीक है, लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। यही है लॉ ऑफ डिमांड।